एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि बेसिक बिगिनर्स जो शुरू कर रहे हैं केक बनाना, घर पे ही शुरू कर रहे हो या प्रोफेशनली, तो उनको क्या सामान खरीदना है। तो आज मैं अगेन आ गई हूँ आरिफ मलाड में, और रमज़ान का मौका है तो बैठे हुए हैं, पैकिंग चल रही है, सबको कुरियर किया जा रहा है जिसने भी ऑर्डर किया है। तो अगर ऑर्डर करना है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन को चेक करना, वहाँ पर मैंने नंबर दिया हुआ है। जो भी चीज़ आपको चाहिए वो वहाँ पर ऑर्डर करके आप अपने घर मंगवा लीजिए। आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हो, वैसे आउट ऑफ इंडिया के लिए भी जल्दी भेज देती है, कुरियर कर देती है, तो आप इस नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिएगा। तो चलिए आज मैं बेसिक आपको केक बनाना शुरू कर रहे हैं तो क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी वो बताती हूँ। तो फलक आप मेरे लिए थोड़ा सामान उठा लीजिए। अच्छा, तो अभी फलक हम सबसे पहले लेंगे प्रीमिक्स। तो ये आरिफ का नया ब्रांड है 7C, बताइए तो ऐसे 7C ब्रांड है, हाँ आरिफ का ब्रांड है ये। तो सबसे पहली बात कि हम लोग आरिफ से सारा सामान मंगाते हैं, और आरिफ ने ही अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया है 7C। आजकल मैं इसी के कलर्स और एसेंस यूज कर रही हूँ। तो इसमें ये है रेड वेलवेट, ये वाला इन्होंने मुझे दिया है चॉकलेट और वेनिला भी, तो ये दे दीजिए। प्राइस क्या है इसका? तो ये अभी प्राइस आप खुद फोन करके पूछ लीजिएगा, मैं प्राइस अभी नहीं बता रही हूँ, आप जल्दी से ऑर्डर जब करिएगा तो पूछ लीजिएगा। ये वेनिला प्रीमिक्स है, तो प्रीमिक्स तो सबको जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं चॉकलेट की तरफ, कंपाउंड्स। तो यहाँ पे सभी कंपाउंड्स अवेलेबल है, तो हम लोग एक ले लेंगे डार्क कंपाउंड, एक ले लेंगे हम लोग व्हाइट कंपाउंड, ये बेसिक मैं आपको बात बता रही हूँ, और एक हम लोग वो मिल्क कंपाउंड तो यूज़ होता नहीं है। यहाँ पे चोको चिप्स है, जब शुरू में केक बनाना शुरू करते हो बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं आती है तो हम लोग चोको चिप्स डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ वाइट चोको चिप्स, ये डार्क चोको चिप्स, और ये मैं मिक्स वाली ले रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा लुक देती है आपके केक को, और यहाँ पर बहुत सारी जो है स्प्रिंकल्स है अलग अलग। तो यहाँ पे छोटे पैकेट्स भी है, और अगर आपको चाहिए तो बड़े 1 kg वाले भी पैकेट्स हैं। तो यहाँ पर ये सारे आ जाते हैं स्प्रिंकल्स, और यहाँ पे छोटे छोटे स्प्रिंकल्स भी है, सब कलर में है, सब डिज़ाइन में है, गोल्डन भी है, पिंक भी है, और ये रेड वेलवेट वाले, हाँ मैंने कुछ गिराया नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, रेड वेलवेट के लिए भी है, प्योर वाइट भी है, बड़े है, छोटे है, गुगली आइज भी है अगर कपकेक बना रहे हो तो उस लिए। और यहाँ पे 7C के मैं आपको कलर्स भी दिखाती हूँ। तो ये 7C के कलर्स हैं, और इन्हीं में से 5 कलर्स मैं कोई भी अच्छा कमेंट जिसका मुझे लगेगा उसको देने वाली हूँ। तो वो मेरे घर पे रखा हुआ है पैक किया हुआ। तो यहाँ पर ये देखिए कलर्स है 7C के, और इसके एसेंस भी आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे एसेंस की वैरायटी है 7C के, सभी एसेंस अवेलेबल है, जो एसेंस आपको चाहिए वो मिल जाएगा। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़रूर उसको चेक कर लीजिए। यहाँ पर 7C के ये ज़्यादातर नॉर्मल हम लोग ऐसे बोलते हैं फुस कलर, ये डस्ट कलर है। तो ये डस्ट कलर भी अवेलेबल है, मेटालिक गोल्ड और पिंक, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पर्पल, सारे कलर्स अवेलेबल है 7C में। और ये है 7C का फॉन्डेंट, और बहुत ही मस्त फॉन्डेंट है, क्योंकि अभी मैंने इसको लिया था और यूज़ किया था, रिजल्ट बहुत अच्छा है और फ्लेवर बहुत अच्छा है। मुझे कोई चीज़ खाने में अच्छी लगे तो ही मुझे पसंद आती है, वरना मुझे नहीं पसंद आती, और मुझे नहीं पसंद आती है तो मैं बोल देती हूँ ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी है। और यहाँ पर है ये सारे मोल्ड्स कपकेक के लिए, मफिन्स के लिए, तो ये तो मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास तो शायद 2-3 हज़ार होंगे, हर बार मुझे कुछ पसंद आता है और मैं उठा के ले जाती हूँ। तो छोटे बड़े सब है, दिस इज सो ब्यूटिफुल, देखिए ना प्यारा लग रहा है फलक, फेस्टिवल सीजन के लिए बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे कपकेक लाइनर्स भी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ और आपको क्या चीज़ चाहिए। बेसिक अगर बना रहे हैं तो आपको कपकेक लाइनर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए अभी आपको मैं पैलेट नाइफ और केक टिन बताती हूँ कि बेसिक आपको सबसे पहले अगर कोई केक टिन लेना है। हाय एवरीवन, तो ये सब आरिफ का स्टाफ है और बहुत ही माशाल्लाह अच्छे हैं, और देखो यहाँ पर अभी बिलिंग हो रहा है। तो इसी तरह से आपका भी सारा ऑर्डर ऐसे
निकाला जाएगा, फिर बिलिंग करके आपके घर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे केक टिन है, तो आपको बेसिक केक टिन मैं कहूंगी गोल वाले लीजिए, स्क्वायर में मत लीजिए, क्योंकि जब शुरू शुरू में आप केक बनाना शुरू करते हैं ना, तो आप स्क्वायर वाले टिन लोगे ना, तो आप थोड़ा सा मुश्किल आपको पेश आएगी उसको फ्रॉस्टिंग करने में। सबसे पहले आप गोल वाले केक टिन लीजिए, तो मैं कहूंगी आप 6 इंच का केक टिन लीजिए, वो आपके लिए शुरुआत में छोटा केक बनाइए 6 इंच का, बहुत ज्यादा बड़ा मत बनाइए, छोटे छोटे केक से शुरू कीजिए ताकि आप ज्यादा बना सके। अभी आप बड़ा केक टिन लेंगे ना, तो क्या होगा कि आप एक बार में अच्छा बुरा जैसा भी, तो प्रैक्टिस के लिए कम आपको ऑप्शंस रहेंगे। आप 6 इंच का केक टिन लीजिए तो आपके लिए ज्यादा होगा कि भाई चलो अभी छोटा केक बनाया, घर वालों को भी केक खिला खिला के मार नहीं देना है, आपको सिर्फ छोटा केक बनाइए। तो 6 इंच का केक टिन आप ऑर्डर कर लीजिए, और मैं कहूंगी गोल वाला ऑर्डर कीजिए। यहाँ पे केक टॉपर्स भी बहुत सारे हैं, तो स्प्रिंकल डाल दो शुरू में, तो केक टॉपर की आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बाद में आपको केक टॉपर्स जैसे ऑर्डर दे लेने लग जाओगे तो केक टॉपर्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी सारे ऑर्डर करोगे तो यहाँ पे मिल जाते हैं। ये सारे केक रिंग्स है चीज केक के लिए, और जब आप पेस्ट्रीज बनाते हैं तो आपको उनकी जरूरत पड़ती है। यहाँ पे डॉल केक के भी टिन्स हैं, छोटे बड़े, यहाँ पे मफिन्स के भी टिन हैं, यहाँ पे ट्रेस भी है, तो आप ट्रे भी ऑर्डर कर सकते हो बेसिक अगर शुरू कर रहे हो अभी बनाने के लिए। अब मैं आपको पैलेट नाइफ्स दिखाती हूँ, तो यहाँ पे स्पैचुला मैं कहूंगी जरूर से जरूर ऑर्डर कीजिए स्पैचुला। अगर घर के खाना बनाने में भी आप चाहते हैं कि आपका जो क्या कहते हैं नॉन स्टिक पैन, मेरे नॉनस्टिक पैन आप बिलीव नहीं करोगे 10-10 साल से ख़राब नहीं हुए हैं, एक भी स्क्रैच नहीं मिलेगी। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लोग जानते हैं कि मेरे केक किसी भी पैन में एक भी स्क्रैच नहीं है। रीज़न उसका ये है कि मैं उसे धुलवाती हूँ प्लास्टिक के काथे से, और मैं इसी तरह का स्पून यूज़ करती हूँ, मैं कभी भी मेटल का स्पून खाना पकाते टाइम यूज़ नहीं करती। हाँ, जब मुझे निकालना है सर्विंग के लिए तभी मैं इस्तेमाल करती हूँ, बट मैं कभी भी अपने खाना पकाते वक्त इस तरह का ही यूज़ करती हूँ, मेटल का कोई भी चम्मच मैं घर में यूज़ करती ही नहीं। अब यहाँ पे पैलेट नाइफ आपको मैं दिखाती हूँ, बेसिक पैलेट नाइफ आपके पास होनी चाहिए। इसके छोटे छोटे सेट भी आते हैं, मैं कहूँगी इतनी बड़ी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक केक कटिंग के लिए नाइफ होती है, ये आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए, ये धारीदार होती है, ये बहुत अच्छी होती है। ये वाली इतनी छोटी आप पैलेट नाइफ जरूर लीजिए। पैलेट नाइफ का एक सेट भी आता है, मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए ये है पैलेट नाइफ का सेट इस तरह से, तो ये वाला आप ले लीजिए, बहुत महंगा नहीं है, 100 रुपए के करीब में आता है। और यहाँ पे बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आप ऑर्डर करेंगे तो आपको मिल जाएगी, सारी ऑर्डर पे अवेलेबल है, लेकिन अभी ये शुरुआत में इतनी ज़रूरत आपको इसकी नहीं पड़ती। आपको कलर्स, एसेंस, केक टिन और केक सबसे अच्छा गैस पर बनता है। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रही हूँ टीस्पून टेबलस्पून। तो मैं आपसे कहूँगी जब आप शुरू कर रहे हैं केक बनाना तो आप ऐसा कीजिए वज़न से ही सारे मेजरमेंट्स लीजिए, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा चाहते हैं कि भाई टीस्पून टेबलस्पून, तो टीस्पून टेबलस्पून खरीदिए, कप्स मत खरीदिए। मैं कहूँगी आप वज़न से ही सारी चीज़ें लिया कीजिए, जहाँ से भी रेसिपी आप ले रहे हैं कोशिश करें कि वो वज़न से हो, वो हमेशा करेक्ट होती है, वज़न से जो रेसिपी बनती है वो करेक्ट बनती है। और जो कप से होता है तो क्या होता है, कभी कभी कोई क्या करता है कि जैसे ये सामान भर रहे कोई इसे फ्लैट लेता है और कोई ऐसे उभरा हुआ ले लेता है, तो उसमें मेजरमेंट्स गलत होते हैं, इसलिए वेइंग मशीन से ही हमेशा आप चीज़ें बनाएं, ये मेरी आपके लिए सलाह है। तो चलो मुझे भी ये लेना है, मेरी न्यू क्लास आ रही है उसके लिए, तो नट्स एंड फ्रूट बाइट्स के लिए मुझे भी इसकी ज़रूरत है, तो मैं भी ये ले लेती हूँ अपने लिए। अगर आप चाहते हैं कि कुकिंग बेकिंग आइटम्स की मैं और वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा आइटम ख़रीदना है जो आपको नहीं मिल रहा है, या उसका प्राइस क्या है, वो कहाँ पर मिलेगा, तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो बनाऊँगी। कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।